हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका परी किचन में। तो आज हम बनाने वाले हैं शाही एग, जिसके लिए मैंने बॉईल किया हुआ 4 एग ले लिया है और साथ हरी मिर्च, ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज है जिसको मैंने कट कर लिया है, ये 1 तेज पत्ता, 4 टेबल स्पून सफ़ेद तिल, नमक स्वाद अनुसार, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/4 टी स्पून गर्म मसाला, 1/4 टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने गैस ऑन कर दिया है, इस पर कढ़ाई रख दिया है, कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। मैंने कढ़ाई में 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दिया है। अब हम इसमें प्याज कटी हुई ऐड करेंगे और तेजपत्ता। ये देखिए प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें अपना जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे। इसको हम 2 मिनट तक भूनेंगे। 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें अपना सफ़ेद तिल और हरी मिर्च को मैंने बारीक पेस्ट बना लिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे, साथ में ही हम अपने सारे मसाले ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 4 टेबल स्पून, और हम इसे अच्छे से भूनेंगे मीडियम आंच पे। अब हम इसे ढक के रखेंगे 10 मिनट के लिए और बीच बीच में चलाते रहेंगे जब तक कि हमारे मसाले भून ना जाएं। मसालों को हम बीच बीच में देखते रहेंगे ताकि हमारे मसाले बर्तन से चिपके ना। 10 मिनट हो गए हैं। ये देखिए मसाले हमारे अच्छे से भून गए हैं। अब हम इसमें अपने कटे हुए एग्स ऐड कर देंगे और 1 टेबल स्पून पानी भी ऐड करेंगे। इसको हम 5 मिनट के लिए ढक के पकने के लिए रख देंगे मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं, ये हमारा शाही एग बनके तैयार है। आप इसे लंच बॉक्स में या डिनर में बना सकते हैं। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।